हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग थर्ड्स गार्डन टीस। मैं सबिता। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अग्नोलिमा प्लांट का रिपोर्टिंग के बारे में। फ्रेंड्स, मैं नर्सरी गई हुई थी तो वहाँ से मेरे को अग्नोलिमा प्लांट्स का दो वैरायटी दिखने लगा, तो मैं सोची आज मैं इसे ले लेती हूँ। ये प्लांट तो मेरे पास पहले था लेकिन कोई कारण से वो प्लांट्स मर गया था, तो वो ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मैं चाहे कि मेरा और इसको ले लेती हूँ और मेरा गार्डन में फिर से ऐड कर देती हूँ। मेरे को जो पहला प्लांट मिला ये है, ये दिखा, ये देखिए, ये है अग्नोलिमा स्नो वाइट और ये है अग्नोलिमा रेड वैलेंटाइन। ये दोनों मेरे गार्डन में नहीं था, मैं इसलिए ये दोनों को ले आई। ये तो ऐसे एक पेरेनियल प्लांट है, आप इसको एक बार गार्डन में ऐड कर लिए तो ये मल्टीप्लाई होते रहता है। ये तो अब आप रूट डिवीजन से भी इसको आप डिवाइड करके लगा सकते हैं और जब वो बढ़ जाता है तो फिर इसका कटिंग से भी आप लगा सकते हैं। मेरे पास पहले और एक अग्नोलिमा था, इसका लिफ्टी का अग्नोलिमा कहते हैं, वो भी था। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको, ये पास से ये देखिए इतना लंबा हो गया है। इसको आप ऐसे, इसका जो टहनी लंबा हो गया है इसको आप कटिंग करके लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको नहीं लगाऊंगी। आज मैं ये दोनों का लगाऊंगी, ये दोनों का रिपोर्टिंग मैं करूंगी। अगर आप नर्सरी से प्लांट्स लाए हैं और नर्सरी इसको तुरंत ला करके मत लगाइए, इसको आप कुछ दिन के लिए आपका गार्डन में जहाँ पर आप सारे प्लांट्स रखे हैं वहाँ पर रख दीजिए, वो प्लांट के साथ रहेगा और कुछ दिन के लिए आपका एटमॉस्फेयर में वो अक्वेंटेड हो जाएगा, फिर इसके बाद आप लगाइए। मैं इसको लाते हुए ये दोनों को हो गया एक हफ्ता करीबन हो गया, फिर आज मैं सोची कि ये दोनों को आज मैं रिपोर्ट कर देती हूँ। इसका रिपोर्टिंग के लिए हम क्या सॉयल लेंगे, इसको आपको इसका सॉइल, ये पहले हम लेंगे एक हिस्सा मिट्टी, जो गार्डन सॉइल बोलते हैं, एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा कोकोपीट, ये देखिए, एक हिस्सा रिवर सैंड। मैं दो गमला के लिए बना रही हूँ तो इसलिए एक हिस्सा मैं रिवर सैंड, एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट, या आप कोई भी खाद ले सकते हैं। आप अगर गार्डन से बना हुआ आपका जो पत्ता का खाद मिलता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैं इसमें मिलाऊंगी, मैं दो गमला का हिसाब से बना रही हूँ इसको, एक चम्मच करीबन फंगीसाइड पाउडर, मैं सांप का फंगीसाइड पाउडर यूज़ कर रही हूँ, देखिए ये है एक चम्मच फंगीसाइड पाउडर। फिर मैं इसमें मिलाऊँगी थोड़ा, ये परलाइट है, मेरे पास परलाइट नहीं था, अगर होता तो मैं एक हिस्सा इससे भी मिला देती, लेकिन मेरे पास इतना ही था तो मैं इतना इसमें डाल देती हूँ। दो मुट्ठी करीबन मैं इसमें नीम खली पाउडर मिला लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम इसमें क्यों मिलाए कोकोपीट, कोकोपीट इसलिए मिलाए क्योंकि वो हमारा मिट्टी को मॉइस्चर बना रहे, इसको ये मॉइस्चर लविंग प्लांट है, उस मिट्टी में मॉइस्चर बना रहा है। और सैंड इसलिए मिला है क्योंकि जो पानी हम एक्स्ट्रा पानी हो जाए वो तो आसानी से निकल जाए, और परलाइट इसलिए मिला है क्योंकि जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो भी वो ऑब्जर्व करके रखेगा और जब ज़रूरत पड़ेगा प्लांट को वो देने लगेगा, तो इसलिए। और हमारा जो वर्मी कंपोस्ट या जो आप भी लीफ मोल जो भी आप खाद डालते हैं वो प्लांट्स को न्यूट्रिशन देता रहेगा। तो फ्रेंड्स, इससे ही आप पॉटिंग सॉइल मिक्स कीजिए और प्लांट लगा लीजिए। चलिए, मैं इसके लिए इस तरह का गमला ली हूँ, देखिए इस तरह मैं एक दो गमला इसके लिए ली हूँ। ये गमला, ये देखिए इसमें कितना होल है, ये होल इसलिए रखे हैं कि इतना होल नहीं रहेगा तो आपका पानी निकासी में मुश्किल हो जाएगा, जो आप एक्स्ट्रा पानी हो जाएगा इसमें से आसानी से निकल जाएगा और पानी निकल जाएगा तो आपका रूट रॉट नहीं होगा। फिर ये प्लांटर में हम क्या करेंगे, मैं ऐसे इस तरह मैं ये सब जो ग्रेबल से होता है ना कंस्ट्रक्शन साइड में मिलता है, ये ग्रेबल मैं इसमें डाल दूँगी, इसलिए ये देखिए मैं इसमें ग्रेबल इस तरह डाल दूँगी क्योंकि होल को थोड़ा बंद करना बहुत ज़रूरी है और उसमें और एक तो हो जाएगा, इसमें जो होल्स पूरा बंद नहीं होगा, हम अगर दूसरा जाली वगैरह कुछ दे देते हैं तो होल्स बंद हो जाता है, तो होल बंद नहीं होगा, वो ऐसा ग्रेबल्स में भरा रहेगा और इसका ऊपर में हम फिर मिट्टी डाल देंगे। ये देखिए ग्रेबल्स दे दिए, फिर इसका ऊपर में हम इसमें मिट्टी भर लेते हैं, मिट्टी इतना भर लेंगे, फिर हम इसको ये प्लांट को निकाल के इसमें
लगा देंगे। ये प्लांट देखिए, ये फ्लावरिंग प्लांट होता है, साल में एक बार। इसमें देखिए, मैं आपको दिखाना भूल गई थी, साल में अग्लोनिमा में एक बार जरूर फ्लावर आता है। ये देखिए, अभी ये देखिए इसमें फ्लावर आ गया है, लेकिन अभी हम इसको बाद में काट देंगे, पहले इसको प्रीपोटिंग कर लेते हैं। पहले इसको देखिए कितना, इसको हम पहले इसको निकाल लेंगे, ऐसे ऐसे निकाल लेंगे अच्छा से। देखिए कितना भुरभुरी मिट्टी है इसका, बहुत सुंदर मिट्टी है। ये देखिए कितना सुंदर बालू मिट्टी है। इसको फिर ये देखिए, इसका पूरा निकल गया, इतना बालू था उसमें, ये सारा को सारा निकल गया। तो हम इसको अभी पूरा नहीं निकालेंगे, हम इसको एक प्लांटर में ऐसे लगा देंगे। चलिए हम इसको लगा करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम ऐसे ही दोनों प्लांट को लगा देते हैं। अभी दूसरा प्लांट के लगाने के लिए ये भी मिट्टी इसमें भर देती हूँ। ये कि जो सारा वो मिट्टी अपने आप ही निकल जाता है, मेरे को जो निकलने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये देखिए, ये उसमें मैं पानी भी डाल दी। अभी मेरा ये प्लांट लग के तैयार है। आज का वीडियो फ्रेंड्स कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।